बॉलीवुड की मशहूर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। एक्शन से भरपूर ये फिल्म किसी भी माध्यम से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब नहीं हो सकी, जिसके बदौलत कंगना की धाकड़ मात्र 2.58 करोड़ रुपए ही कमा सकी और उनके करियर की ये सबसे खराब फिल्म बन गई। 85 करोड़ के बड़े बजट में बनी धाकड़ से फिल्म मेकर्स को काफी नुकसान हुआ। कंगना रनौत स्टार धाकड़ फिल्म से फैंस को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन ये फिल्म उनकी उम्मीदों पर खरी उतरने में नाकाम रही। कंगना की धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर इस साल की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली फिल्मों की सूची में शामिल हो गई। इस फिल्म की नाकामयाबी से मेकर्स को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल 85 करोड़ रुपए की मोटी लागत से बनी धाकड़ महज 2.58 करोड़ की कमाई कर सकी, जिसके आधार पर इस फिल्म के मेकर्स को 78 करोड़ का बड़ा नुकसान हुआ। इस वजह से धाकड़ के निर्माता को काफी घाटा झेलना पड़ा। हालांकि अभी कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ के ओटीटी राइट्स बिकने बाकी हैं, लेकिन सिनेमा घरों में खासा प्रभाव नहीं छोड़ने वाली इस फिल्म को ओटीटी पर शायद ही कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिले। कंगना रनौत और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गजों से सजी धाकड़ को एक्टर कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 से कड़ी टक्कर मिली, जहाँ भूल भुलैया ने अब तक 200 करोड़ रुपए की कमाई कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।